स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल फर्स्ट प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 टू 30। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक क्वेश्चंस को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 21 5 रेज़ टू द पावर 2n + 2 - 24n माइनस 25 इज डिविजिबल बाय 576 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। देखिए ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है कि ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए 576 का डिविजिबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको p ऑफ n के इक्वल सपोज कर लेते हैं। उसके बाद PMI की जो बेसिक स्टेप है n इज इक्वल टू 1 के लिए उसके लिए P ऑफ 1 को प्रूव करते हैं। फिर PMI की सेकंड स्टेप इंडक्टिव स्टेप के लिए P ऑफ n को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज करते हैं और उसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए या P ऑफ k प्लस 1 को प्रूव कर देते हैं। तो उससे वो जो P ऑफ n है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट को P ऑफ n के इक्वल लेट P of n such that 5 raised to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 is divisible by 576। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये 576 का डिविजिबल है ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो PMI की बेसिक स्टेप बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो पूरा स्टेटमेंट में p ऑफ 1 सच दैट 5 रेज़ टू द पावर 2 into n के प्लेस पे 1 प्लस 2 माइनस 24 इंटू 1 माइनस 25। अब ये जो है ये 576 का डिविजिबल होना चाहिए तब p ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर देते हैं जस्ट इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 पावर हो जाएगी माइनस 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 माइनस 25 which is equal to 5 raised to the power 4, 5, 5 is 25, 25, 5 is 125 or 125, 5 is 625. So, it will be 625 minus 24 minus 25 minus 49, which is equal to 15 minus 9, we will do 6, and 11 minus 4, we will do 7, and this is 5. 576 or 576, which is 576 ka divisible. is divisible by 576 से ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने PMI की बेसिक स्टेप को ट्रू पर दिए। अब इसके इंडक्टिव स्टेप देखिए इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं p ऑफ n को n = k के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं और p ऑफ n को n = k plus 1 के लिए दैट इज p ऑफ k plus 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। लेट p ऑफ n be true for n = k दैट इज इसमें n के प्लेस पे k रख दो p ऑफ k सच दैट 5 raised to the power 2n है तो n के प्लेस पे k रखेंगे 2k और प्लस 2 माइनस 24n है n के प्लेस पे k रखेंगे माइनस 25 इज डिविजिबल बाय 576। ये 576 का डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर 2k प्लस 2
माइनस 24k माइनस 25 इज इक्वल टू 576 m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। जब ये 576 का डिविजिबल है तो इससे जब 576 पर डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो जो कोशेंट आएगा उस कोशेंट में यदि आप 576 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये 576 डिवाइजर हो गया और ये m जो है ये इसका कोशेंट हो गया। डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा वो m है मान लीजिए, और m में 576 का इंटू कर देंगे तो ये डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो ये आपका डिविडेंड आ जाएगा और रिमाइंडर इसका जीरो रहेगा। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज p ऑफ k प्लस 1, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज p ऑफ k प्लस पे k प्लस 1 रख दो या n के प्लस पे k प्लस 1 रख दो, p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 5 रेस टू द पावर 2 के, यहाँ के प्लस पे के प्लस 1 रखिए, 2k प्लस 2 और ये प्लस 2 ये वाला माइनस 24 इंटू के प्लस 1 माइनस 25 इज डिविजिबल बाय 576। अब हमको क्या करना है कि ये जो k प्लस पे k प्लस 1 रखने के बाद आया ये भी 576 का डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लेंगे। तो जो क्वांटिटी आएगी वो 576 का डिविजिबल आएगी, या 576 कॉमन निकाल देना है आप। तो पेज में ले लेता हूँ उसको। देखिए इसको 576 का डिविजिबल प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या है, 5 रेस टू द पावर 2k प्लस 2, इतने की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस 24 के माइनस 25 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं 576 m के तरफ। तो यहाँ पर 5 की पावर 2k प्लस 2 और ये प्लस 2 है, तो इसको हम पहले ऐसा लिख लेते हैं, 5 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 5 स्क्वेयर, 5 रेस टू द पावर 2k प्लस 2 इंटू 5 स्क्वेयर, ऐसा लिख ले, दोनों का बेस सेम है 5, पावर ऐड हो जाएगी तो 5 रेस टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 24k प्लस 1 माइनस 25 विच इज इक्वल टू, अब ये जो 5 की पावर 2k प्लस 2 है इसके प्लेस पर हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, 576 m माइनस 24 का प्लस 24 के और प्लस 25 के, प्लस 25 फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख रहे हैं 576 m प्लस 24 k प्लस 25, देखो ऐसी वैल्यू हो जाएगी, यही रहा 576 m प्लस 24 k प्लस 25 इंटू 5 स्क्वेयर को 25 लिख लो, माइनस 24 का इंटू कर लेते हैं 24 k माइनस 24 और ये माइनस 25, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 25 का इंटू कर लो इसमें पूरे ब्रैकेट में, 576 m इंटू 25 प्लस 25 इंटू 24 करेंगे तो 25 फोर जा 100, 0 1 बचेगा, 10 बचेगा, 25 टू जा 50 प्लस 10 60, 600 के हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 माइनस 24 k और ये माइनस 24 माइनस 25 माइनस 49 हो गया। तो और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 576 m इंटू 25 प्लस 600 k माइनस 24 k, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, 9 माइनस 2 करेंगे 7 और ये 5, 576 k
625 माइनस 49 करो, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6, 1 बचा, 11 माइनस 4 करेंगे 7 और ये 576। अब सब में से 576 कॉमन निकाल लो क्योंकि हमको 576 का डिविजिबल इसको प्रूफ करना है। 576 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 25m प्लस 576 निकल जाएगा k प्लस 1। देखो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये 576 से डिवाइड हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा इतने टाइम। तो इज डिविजिबल बाय 576, ये 576 का डिविजिबल आ गया। देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हमने p ऑफ k को ट्रू सपोज किए थे और p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिए, तो हैंस बाय PMI, हैंस बाय PMI p ऑफ n इज ट्रू ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो p ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर लो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 3^2 2n + 2 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमको PMI की हेल्प से ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को p ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट p ऑफ n सच दैट 3^2 2n + 2 - 8n - 9 is divisible by 8, divisible by 8, ये 8 का divisible है। तो सबसे पहले इसकी basic step for n is equal to 1 के लिए, for n is equal to 1, इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो तो ये 8 का डिविजिबल आना चाहिए। p ऑफ 1 सच दैट 3^2 2 (n+1) + 2 - 8 (n+1) - 9 हो जाएगा 3^2 + 2 - 8 (8) - 9 3^4 हो जाएगा 3 × 9 = 27 × 81 (81 - 8 - 9 - 17 (11 - 7) करेंगे तो 4 और 7 - 1 करेंगे 6। 64 इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, ये 8 का डिविजिबल है, 8 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम। तो देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। देखो हमने बेसिक स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ 1 को प्रूफ कर दिया। अब इसकी इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में p ऑफ n को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज करेंगे और p ऑफ n को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए या p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करेंगे। लेट p ऑफ n बी ट्रू फॉर n is equal to k, that is p of k such that n के प्लेस पे k रख दो, यहाँ ये हो जाएगा 3^2 2k + 2 - 8k - 9 is divisible by, divisible by 8। जब ये 8 का divisible है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3^2 2k + 2 - 8k - 9 = 8m, where m belongs to integer। जब 8 का डिविजिबल है ये तो ये 8 रहेगा और जो क्वोशेंट आएगा इसको डिवाइड करने पर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो क्वोशेंट आएगा उसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा। तो इसको 8m के इक्वल सपोज कर लिए और m जहां पर कोई इंटीजर है इसको इक्वेशन बन देते। Let's suppose this is equation first. Then it must be true for n is equal to
plus 1, then it must be true for n is equal to k plus 1. That is p of k plus 1. K ke place pe k plus 1 rakh do, such that p raised to the power k ke place pe k plus 1 rakhenge to 2k plus 2 or plus 2. 2k plus 2 or ye plus 2. Minus 8 or k ke place pe k plus 1 minus 9 is divisible by 8. इसको हमको 8 का divisible prove करना है. तो इसको 8 का divisible prove करने के लिए हम इसी को ले लेते हैं, इसी को solve करते हैं और ये जो equation first है इसका use कर लेंगे तो ये 8 का divisible आ जाएगा. इसको मैं अगले page में ले लेता हूँ इस step को. अब देखो equation first में 3 की power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is equal to 8m. यहाँ से 3k 3 raised to the power 2k plus 2 इसकी value अगर अपन निकाले तो क्या आएगी, 8m plus 8k plus 9. और यहाँ पर भी है आपका 3 raised to the power 2k plus 2 ना. तो पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं हम एक स्टेप में, 3 raised to the power 2k plus 2 into 3 square, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 raised to the power 2k plus 2 plus 2 आ जाएगा. माइनस 8 का इंटू कर लो तो माइनस 8k माइनस 8 और माइनस 9. अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से 3 रेस टू द पावर 2k प्लस 1 की वैल्यू रख देते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 8m प्लस 8k प्लस 9. 8m प्लस 8k प्लस 9 यहाँ से ये हो गया 8m प्लस 8k प्लस 9, 3 रेस टू द पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट से वैल्यू रखती है और आगे इसको सॉल्व कर लो, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 9 के अंदर इंटू कर लो तो 8m में कहीं 8 को ऐसी रहने दो क्योंकि अपने को 8 को कॉमन निकालना है, 9 इंटू 8m प्लस 9 8 जा 72k प्लस 99 जा 81 माइनस 8k माइनस 17. थोड़ा और सॉल्व करते, 9 इंटू 8m प्लस 72k में से 8k माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 और ये 6, 64k. 81 माइनस 17 करें 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, 64. हमको 8 का डिविजिबल प्रूफ करना है तो 8 कॉमन निकाल लो, अब जाएगा 9m प्लस 8 8 जा 64, 8k प्लस 8 8 जा 64 ऐसा आ गया. अब इसको देखो यहाँ 8 आ गया तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. देखो हमने p ऑफ k को ट्रू सपोज किए थे और p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिए, हेंस बाय PMI, हेंस बाय PMI p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. p ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए 8 का डिविजिबल हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा, तो ऐसे आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए बी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन इनटू बी रेस टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देखिए इस स्टेटमेंट को हमको पीएमआई की हेल्प से प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल सपोज कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एन सच दैट ए बी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन इनटू बी रेस टू द पावर एन. अब पीएमआई की बेसिक स्टेप, सबसे पहले बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन इज इक्वल टू 1, तो इसमें एन के प्लेस पे 1 रख दो
of 1 such that a b raised to the power 1 is equal to a raised to the power 1 into b raised to the power 1. So ये ए बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गया, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू। पी ऑफ वन को हमने ट्रू प्रूव कर दिए, बेसिक स्टेप को हमने ट्रू प्रूव कर दिए, अब हमको इसके इंडक्टिव स्टेप को प्रूव करना है। इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू पुट करेंगे। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज इसमें एन के प्लेस पे के रख दो, पी ऑफ के सच दैट ए बी रेस टू द पावर के इक्वल टू ए रेस टू द पावर के इन टू बी रेस टू द पावर के, इसको इक्वेशन वन दे दे, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज इसमें k के प्लेस पे k प्लस वन रख दो, n के प्लेस पे k प्लस वन रख दो, p ऑफ k प्लस वन सच दैट ए बी रेस्ट टू द पावर k के प्लेस पे k प्लस वन रखेंगे इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर k प्लस वन इंटू b रेस्ट टू द पावर k प्लस वन, ये हमको p ऑफ k प्लस वन को प्रूव करना है। तो इस p ऑफ k प्लस वन को प्रूव करने के लिए मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया फॉर्म फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, ए बी रेस टू द पावर के इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर के इंटू बी रेस टू द पावर के। अब इसको ध्यान से देखो, ये अपने पास में है और हमको पी ऑफ के प्लस वन में लेफ्ट साइड में ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन चाहिए, तो बेस में तो ए बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे पावर के और यहाँ पे हमको के प्लस वन पावर चाहिए। तो अगर अपन यही वाले बेस का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ए बी का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो ए बी रेस टू पावर के प्लस वन हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा और लेफ्ट साइड जैसे आएगा तो राइट साइड अपने आप आ जाएगा। तो दोनों साइड में ए बी का मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाइंग ए बी ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में ए बी का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए बी एस टू द पावर के इन टू ए बी एस इक्वल टू ए रेस टू द पावर के बी रेस टू द पावर के इन टू ए बी, इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए हमने। अब ये बेस सेम है ए बी, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो विच एम्प्लाइज ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू, ये ए रेस टू के है और ये एक ही पावर वन है, दोनों का बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ए रेस टू द पावर के प्लस वन इन टू बी रेस टू द पावर ये के है और ये वन पावर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी के प्लस वन। देखो यही अपने को लाना था, ए बी रेस टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेस टू के प्लस वन इन टू बी रेस टू के प्लस वन, सो देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, के प्लस वन इज ट्रू, हमने पी ऑफ के को ट्रू सपोज किए थे और पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर दिए, तो हैंस बाय पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैंस बाय पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो गया, ऐसे आप इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये 3 का मल्टीपल है ऑल नेचुरल नंबर n के लिए, तो इसको पी एम आई की हेल्प से प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को p ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट p ऑफ n सच दैट n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ
थ्री, ये थ्री का मल्टीपल है ऐसा हमने सपोज कर लिया। पीएमआई की बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए एन के प्लेस पे वन रख दो इसमें, फिर हो जाएगा पी ऑफ वन सच दैट वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव। अब ये भी आपका थ्री का मल्टीपल आना चाहिए, ये टू हो जाएगा और ये फाइव वन सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व। अब ये ट्वेल्व जो है ये थ्री का मल्टीपल है, थ्री के टेबल में आता है थ्री, थ्री जा थ्री, टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थ्री से ये डिवाइड हो जाएगा ट्वेल्व फोर टाइम, तो थ्री का मल्टीपल हो गया ट्वेल्व। इसका मल्टीपल ऑफ थ्री, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू। देखिए हमने इसकी बेसिक स्टेप को प्रूफ कर दी। अब इसके इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए पी ऑफ के प्लस वन को प्रूफ करेंगे। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज एन के प्लेस पर के रख दो, पी ऑफ के सच दैट के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। जब ये थ्री का मल्टीपल है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के इंटू k प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री एम, वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ये जो क्वांटिटी है ये थ्री का मल्टीपल है, सपोज सिक्स जो है वो थ्री का मल्टीपल है, सिक्स अगर थ्री का मल्टीपल है तो ये सिक्स जो है थ्री से डिवाइड हो गया, थ्री टू जा सिक्स जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब देखो सिक्स जो है वो थ्री का मल्टीपल है, थ्री के टेबल में आता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। तो अब इस सिक्स को अपन कैसे लिख सकते, ये जो अपना जिसका वो मल्टीपल है इसका कोशेंट में मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। तो इसको मैंने इसका मल्टीपल है थ्री तो ये थ्री और ये इसका कोशेंट है एम, तो थ्री एम लिख दो। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो, अब देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, it must be true for n is equal to k plus 1, that is p of k plus 1, k के प्लस पे k प्लस 1 रख दो या n के प्लस पे k प्लस 1 रख दो, यहाँ रख देते हैं k के प्लस पे k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 into second bracket में k प्लस 1 प्लस 1 है तो k प्लस 2 हो जाएगा और थर्ड ब्रैकेट के प्लस फाइव है तो के प्लस वन प्लस फाइव के प्लस सिक्स हो गया। इस मल्टीपल ऑफ थ्री, इसको भी हमको थ्री का मल्टीपल प्रूफ करना है। तो अब देखिए इसको थ्री का मल्टीपल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका यूज करेंगे और इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं तो ये थ्री का मल्टीपल प्रूफ हो जाएगा, मतलब थ्री को आपको कॉमन निकाल देना। तो अब अपने पास में वैल्यू है k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव को अपन 3m लिख सकते हैं, तो इसको k प्लस वन के प्लस टू और k प्लस सिक्स को ऐसा सॉल्व करो कि k k प्लस वन और k प्लस फाइव आ जाए अपने पास में, उसको अपन 3m लिखते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, तो यहीं पे इसको हमको के प्लस वन और के प्लस फाइव का ब्रैकेट चाहिए और k चाहिए, ये के प्लस वन तो अपने पास में है, ये के प्लस टू की जरूरत नहीं, और ये के प्लस सिक्स को के प्लस फाइव प्लस वन लिख लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख लो, पहले के प्लस टू को लिख दो एन टू के प्लस वन लिख लो, एन टू के प्लस सिक्स को के प्लस फाइव प्लस वन ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये वाला जो के प्लस फाइव है इसको एक बार ब्रैकेट लगा दिया मैंने इसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि ये k प्लस वन का ये ब्रैकेट में इंटू कर लेते थे, k प्लस वन
इन टू के प्लस फाइव आ जाएगा और ये वाले में इन टू होगा, फिर ये के प्लस वन के प्लस फाइव आ जाएंगे अपने दो ब्रैकेट, उसमें ये वाले ब्रैकेट से इंटू कर देंगे तो के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव आ जाएगा, उसको अपन थ्री एम लिख देंगे। इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, अगले पेज में ले लेता हूँ इसको। अब देखिए इसको, ये के प्लस टू को अभी ऐसी रहने दो और ये के प्लस वन का अंदर इंटू करते हैं, ये उसमें के प्लस टू को बाहर रहने दो, के प्लस वन का अंदर इंटू करते हो तो के प्लस वन एक ब्रैकेट, के प्लस फाइव में भी कर दो और प्लस ये वन में कर दो, ये के प्लस वन ऐसा हो गया। अब ये के और प्लस टू हमने के प्लस वन का पूरे ब्रैकेट में कर दिया, ऐसा आ गया। अब हमको के प्लस वन भी आ गया, के प्लस फाइव भी आ गया, अपने को के चाहिए, तो अब इस के का इंटू पहले पूरे ब्रैकेट में कर दो, फिर प्लस टू का भी पूरे ब्रैकेट में कर दो। पहले के का करते तो के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव प्लस ये वाले के प्लस वन में करेंगे तो ये के इंटू के प्लस वन, अब टू का भी कर दो, प्लस टू का इंटू कर दिए, टू इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव प्लस ये वाले लास्ट वाले ब्रैकेट में भी कर दो टू का, टू इंटू के प्लस वन। अब देखो, अब अपने पास ये क्वांटिटी आ गई के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव। इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री एम, ये इक्वेशन फर्स्ट से, इसको थ्री एम रख देते हैं, इस इक्वल टू ये थ्री एम हो गया। और बाकी के ब्रैकेट खोल दो आप, के का इंटू करेंगे तो के स्क्वेयर प्लस के प्लस प्लस ये के का इंटू करते हो साथ में टू का भी इंटू, पहले टू को बाद में करते हैं, पहले ब्रैकेट का इंटू कर लो, के स्क्वेयर प्लस फाइव के प्लस वन का करेंगे तो के प्लस फाइव प्लस इसमें टू का कर लो तो टू के प्लस टू, और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हमने ये वाली वैल्यू रख दी है थ्री एम इसके प्लेस पे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ये थ्री एम को ऐसी रहने दो, प्लस के स्क्वेयर प्लस के प्लस ये टू का इंटू करेंगे तो टू के स्क्वेयर प्लस फाइव के और ये वन के सिक्स के हो जाएगा, ये सिक्स के में टू का करेंगे तो प्लस ट्वेल्व के प्लस टू फाइव ज़ा टेन प्लस टू के प्लस टू। और थोड़ा सॉल्व करो, ये थ्री एम प्लस के स्क्वेयर प्लस टू के स्क्वेयर थ्री के स्क्वेयर प्लस के वाले देख लो कितने हैं, तो के प्लस ट्वेल्व के थर्टीन के, थर्टीन के प्लस टू के फिफ्टीन के, क्या बचा टेन प्लस टू ट्वेल्व। आप सब में से आप थ्री कॉमन निकाल लो क्योंकि अपने को थ्री का मल्टीपल उसको प्रूव करना है। ये थ्री कॉमन आ गया, एम प्लस के स्क्वेयर प्लस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फाइव के प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व फोर। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये थ्री से डिवाइड हो जाएगी, जब ये थ्री से डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब ये है कि ये थ्री का मल्टीपल होगा। सो इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ये थ्री का मल्टीपल हो गया। देयरफोर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, हमने पी ऑफ के को ट्रू सपोज किए थे और पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर दिए, तो बाय पी एम आई से ये पी ऑफ एन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव हो जाए। हेंस बाय पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यही हमको प्रूव कर लेते हैं। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है, ओके बाय।